हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। और इस वीडियो में हम देखेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं और इसमें हम प्रिम्स एल्गोरिदम को भी स्टडी करेंगे। सो स्पैनिंग ट्री बेसिकली देखो क्या होता है, एक ये सब ग्राफ होता है या इसको आप बोल सकते हो कि एक ट्री होता है। बट ये क्या होता है कि इट कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ बट विद नो सर्किट। कि एक ग्राफ होता है जिसमें सारी वर्टिसेस तो कवर्ड होती हैं बट उसमें कोई सर्किट नहीं होता। सर्किट का मतलब कोई भी लूप नहीं होता, ठीक है। सो नो लूप। सो स्पैनिंग ट्री तो क्या हो गया, इसमें सारी वर्टिसेस कवर्ड हैं बट कोई भी सर्किट नहीं होता। अब अगर हम बात करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो वो एक वेटेड कनेक्टेड ग्राफ के लिए हम बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप सबको कनेक्ट कर देते हो सारी वर्टिसेस को, तो आपको ऐसे कनेक्ट करना होता है कि उस पूरे ट्री का जो वेट है वो मिनिमम होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सो दैट इज स्पैनिंग ट्री एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इनको डिटेल में मैंने डाटा स्ट्रक्चर की वीडियो लेक्चर सीरीज में पूरा कवर कर रखा है, तो आप वहाँ पर भी स्टडी कर सकते हैं। सो अब देखते हैं, अगर हमें कोई एक ग्राफ गिवन है, अब मैं इसके दो सब ग्राफ्स बनाता हूँ और आप उसमें बताता हूँ कि आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेसिकली कौन सा होगा। तो देखो हम इस तरह से बना सकते हैं भाई, सारी वर्टिसेस को कनेक्ट ही तो करना है। सो मैंने कर दिया, ए से ई को कनेक्ट कर दिया, देन ई को मैंने डी से कनेक्ट कर दिया, डी को मैंने सी से कनेक्ट कर दिया और सी को मैंने बी से कनेक्ट कर दिया। कुछ इस तरह से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अब इसको हम क्या स्पैनिंग ट्री बोलेंगे? सो यस, क्यों? क्योंकि सारी वर्टिसेस कवर्ड हैं और कोई भी सर्किट नहीं है। अब देखते हैं इनकी वेटेज क्या है। सो 5, 3, 2 एंड 1। तो टोटल वेट कितना हो गया इसका? 5 + 3 8 + 2 10 11। सो इसका टोटल वेट हो गया 11। अब एक और बनाते हैं। सो अगर मैं कुछ इस तरह से कनेक्ट करता, लेट अस से ए से मैं कर देता बी, बी से मैं कर देता यहाँ पे सी और सी से मैं कर देता ई, देन ई से डी, तो क्या इसको स्पैनिंग ट्री बोलेंगे? सो यस, दिस इज अ स्पैनिंग ट्री, क्योंकि कोई भी लूप नहीं है और सारी वर्टिसेस कवर्ड हैं। अब इसका वेट देख लेते हैं, 10, 1, ये कितना है 7 और ये कितना है 3। तो इसका टोटल वेट कितना हो गया? 10 + 10 20 + 1 21। सो अब इन दोनों स्पैनिंग ट्री में से आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसको बोलोगे जिसका वेट मिनिमम है? सो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री आउट ऑफ दिस टू ऑप्शंस। सो देखो स्पैनिंग ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे जो मेन एप्लीकेशन है इसकी वो है डिजाइनिंग एंड एफिशिएंट राउटिंग एल्गोरिदम। So it is used in designing efficient routing algorithms. Basically देखो routing algo क्या करता है, वो efficient या optimum path find करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। So minimum spanning tree उसमें help करता है। Then it has wide range of application in network designing. सो नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई, नेटवर्क की डिजाइनिंग हो गई, उसमें भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज़ होता है। सो अब देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए दो डिफरेंट एल्गोरिदम्स गिवन है आपके सिलेबस में। एक है प्रिम्स एल्गोरिदम और एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। सो इन दिस वीडियो आई एम कवरिंग द प्रिम्स एल्गोरिदम, द बेसिक ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम, एंड we will see one solved numerical on Prim's algorithm also. So now let us move towards the Prim's algorithm. So Prim's algorithm देखते हैं, example की मदद से ही इसको explain करता हूँ मैं आपको। So ये हमें एक graph given है, इसका हमें minimum spanning tree निकालना है using the Prim's algorithm. So ये एक graph given है हमें। So देखो करना क्या होता है, you have to start creating a tree from an arbitrary root vertex, let us say R. तो सबसे पहली बात तो सारी इन vertices को मैं draw कर लेता हूँ। So A, B,
सी डी एंड ई। तो इन पांचों वर्टिसेस को मैंने ड्रॉ कर लिया और लेट अस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रूट वर्टेक्स जिसको मैं मान रहा हूँ ए। सो ए से हम स्टार्ट करते हैं हम ड्रॉ करना। सो करना क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट एन एज विद मिनिमम वेट। अब देखो ए से कितनी एजेस कनेक्टेड है, एक तो ये वाली एज है 5 और एक है ये वाली एज जिसका वेट है 6। कौन सा मिनिमम है, 5 वाला। सो आई विल चूज 5, ठीक है। और इसका वेट आप यहाँ पे लिखते चलो 5। अब देखो आपके पास कितनी वर्टिसेस आ गई, ए और बी दोनों हैं। अब आप दोनों से देखो कौन सी एडजेसेंट वर्टिसेस जिसका वेट सबसे कम है। तो अगर मैं देखूं ए के एडजेसेंट अब कौन सी है, 6 एक तो, बी के एडजेसेंट है 1 जिसका वेट है 3, और एक है बी के एडजेसेंट जिसका वेट है 1। तो हम कौन सी चूज करेंगे, जिसका वेट है 1। सो 1, ठीक है। अब आपके पास 3 हो गई, ए बी एंड सी। अब आप तीनों से देखो कौन कौन सी हैं, ए से तो 6 है, बी से अब बच गई 3, और सी से 2 है 4 एंड 6। तो मिनिमम कौन सा आ गया हमारे पास, मिनिमम हमारे पास है बी से डी जो कि है 3। ठीक है, देन अब हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी एंड डी। और अगर आप मिनिमम देखोगे तो कौन सा मिलेगा आपको, डी से ही जो कि है 2। सो दिस विल बी द मिनिमम स्पैनिंग ट्री एज पर प्रिम्स एल्गोरिदम। सो यू हैव टू सिलेक्ट एन एज विद मिनिमम वेट एंड यू हैव टू कीप सिलेक्टिंग एडजेसेंट एजेस विद मिनिमम वेट अंटिल ऑल द वर्टिसेस आर कवर्ड इन द ट्री। तो इसका जो टोटल वेट है वो कितना आ रहा है, 5 + 1 + 3 + 2 डेट इज इक्वल्स टू 6 + 5 11, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू डू द प्रिम्स एल्गोरिदम। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको 3 और प्रिम्स एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।